आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांधकर नर्सेज विरोध प्रदर्शन कर रही है। कुकिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, सेल्फ डिफेंस और स्टोरी टेलिंग जैसे एक्स्ट्रा को करिकुलर कोर्सेज। एडमिशन्स ओपन एट प्रेसिडेंसी स्कूल, जयपुर रोड, गीगल, अजमेर। आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांधकर नर्सेज विरोध प्रदर्शन कर रही है। सन 2020 के अंदर राजस्थान सरकार ने कोरोना से निजात पाने के लिए कुछ नर्सिंग कर्मचारी लगभग हजारों की संख्या में 28,000 जो नर्सिंग कर्मचारी उनको कोविड हेल्थ सहायक का नाम देकर एक तो नर्सेज के अंदर फूट डालने का काम किया और एक अल्प वेतन में नर्सेज की सैलरी 26,500 होती है जबकि 7,900 में उन नर्सेज कर्मचारियों ने प्रदेश के मरीजों की सेवा की। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने बजट सत्र जैसे ही खत्म हुआ और बजट में घोषणा की है कि इनकी 30 मार्च से स्वतः ही इनकी सेवा समाप्त कर दी जाए। आज 28,000 नर्सें जो कोरोना में अपनी जान को जोखिम में लगा के जो लगे हुए थे प्रदेश के मरीजों की सेवा में, आज उनको बेघर कर दिया है, बेरोजगार कर दिया है। वो कर्मचारी कहीं तैयारी करते किसी कंपटीशन की तैयारी करने लायक भी नहीं रहे। आज उनका परिवार अपने रोजी रोटी के लिए भटक रहा है। आज हमने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। अगर राजस्थान सरकार जल्दी 28,000 जो संविदा कर्मचारी हैं, नर्सेज कर्मचारी, कोविड हेल्थ सहायक हैं, चाहे यूटीबी हैं, अगर इन कर्मचारियों को तुरंत वापस नहीं लिया गया और अति शीघ्र इनका कुछ निस्तारण करके इनको आगामी वर्षों में अगर नियमित नहीं किया गया तो राजस्थान में समस्त नर्सेज उग्र आंदोलन करेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। मैं गंगा शरण जाटव, जिलाध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, जिला सहकारी।